हाय एवरीवन, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ का ही एक टॉपिक है, मैथ से ही रिलेटेड है, स्टैटिक्स का ही टॉपिक है जो कि मैथ से ही मिलता जुलता है। हमने मीन के बारे में बहुत पढ़ा है, किसी भी हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि मीन कैसे निकालते थे, सभी को जोड़ के डिवाइड में जितने नंबर होते थे ये नॉर्मल मीन निकालते थे हम। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीन निकालने का अज्यूम्ड मीन मेथड से हम किसी भी जो क्वेश्चन है उसका मीन कैसे निकाल सकते हैं, इसी की हम आज बात करेंगे अच्छे से। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिल्कुल इजी होने वाला है, बहुत इजी मेथड होने वाला है ये। देखिए, ये क्वेश्चन जब दिया होगा ना हमें, तो हमें टेबुलर फॉर्म में दिया होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि टेबुलर फॉर्म में आता है, उसमें एक तो इंटरवेल हमें दिया हुआ होगा कोई भी, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है। यहाँ पर इंटरवेल के रूप में हमें क्या दिया है, डेली वेजेस दी गई है, ठीक है। जो वर्कर्स कंपनी में काम करते हैं उनकी वेजेस दी हुई है, इंटरवेल दिया गया, जैसे 500 से 520 एक इंटरवेल दिया हुआ है। अब इसमें भी जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो लोअर क्लास वैल्यू होती है, और बड़ी वाली वैल्यू होती है 520 अपर क्लास वैल्यू होती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यूज दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो इससे हमें ये एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ होगा। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। ये 50 वर्कर्स हैं, इनकी डेली वेजेस दे रखी है भैया, 12 वर्कर्स की 500 से 520 है, 14 वर्कर्स की 520 से 540 है, ऐसे ही इंटरवल्स दिए हुए हैं। अब क्या बताना है, फाइंड द डेली मीन वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, डेली मीन बताना है बाय अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड से ए प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। सबसे पहले तो ये दिमाग में आप बिठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने ही दिमाग में कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाए। अब देखिए, इसमें A क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, XI निकालना पड़ेगा, वहां से हमें A का पता चलेगा। अब XI क्या होता है, XI कैसे निकालते हैं, XI निकालते हैं जो हमें इंटरवेल दिया गया है उन दोनों को, अपर क्लास को लोअर क्लास को ऐड करके दो से डिवाइड कर दो। 500 प्लस 520 कितना होता है, 1020 होता है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो इंटरवल आएगा 510। ऐसे ही इसका है, इन सब का वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसकी 530, इसकी 550, इसकी 570, इसकी 590। करना क्या है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करके ये सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लो। अब ए कौन सी वैल्यू, वैसे तो इनमें से कोई भी वैल्यूज हम ले सकते हैं ए के लिए, लेकिन सबसे सही क्या होता है, मिडिल वैल्यू लो आप, ताकि आपका आंसर में कोई गड़बड़ ना हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दो इधर छोड़ दी, दो इधर। अब ये हमारा क्या ले लिया, हमने ए ले लिया, तो ए की वैल्यू तो भाई पता चल गई यहां से। अब ये दोनों और चाहिए हमें। अब देखिए, DI कैसे निकालेंगे, क्योंकि FI तो हमारे पास है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना यही FI है। DI की कैसे निकालते हैं, XI माइनस A, XI 510 है, A 550 है, माइनस का 40 आ गया, 530 में से 550 गए तो माइनस का 20, यहां 0 आ गया, यहां 20 आ गया, यहां 40 आ गया, ये DI आ गया। अब निकाल दीजिए FIDI, बिल्कुल इजी तरीके से FIDI दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये DI है, ये FI है। 12 को माइनस 40 से करेंगे तो माइनस 480, 14 को माइनस 20 से करेंगे तो माइनस 280, 8 को 0 से करेंगे तो 0, 6 को 20 से करेंगे तो 120, और 10 को 40 से करेंगे तो 400। अब देखिए, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, हमने टेबुलर जो हमें फॉर्मेट दिया हुआ उसको फिल कर लिया है। अब बिल्कुल इजी है, अब जो काम बचा है सिर्फ कैलकुलेशंस का काम बचा है, और वो कैलकुलेशंस आपको करनी होगी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना होगा। अब देखिए क्या दे रखा है, AA की वैल्यू हमें पता है 550 है, समेशन ऑफ FIDI, इन सब का समेशन निकाल लीजिए, माइनस प्लस का करके इनको टोटल सम क्या आएगा वो निकाल लीजिए, वो आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा समेशन ऑफ FI, इन टोटल निकाल लीजिए, FI हमारे पास यही है, इसका टोटल तो दिया भी हुआ था कि 50 वर्कर है। सारी वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये मेथड अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए,